राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग गाइस। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ वृंदावन धाम। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी वृंदावन यात्रा, जो हम लोगों ने तय की थी दिल्ली से वृंदावन के लिए। और पेंटिंग्स के दर्शन करते करते हम लोग पहुंच गए वृंदावन धाम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वृंदावन आ चुका है। तो सबसे पहले हमने किए बांके बिहारी जी के दर्शन, और उसके बाद राधे राधे जपते जपते हम पहुंच गए प्रेम मंदिर। और ये रहा प्रेम मंदिर का एंट्रेंस, आप देख सकते हो। और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ आए भी होंगे, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस रहे होंगे। तो आप मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट बॉक्स में कि आपको वृंदावन में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी, या फिर आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे। और जैसा कि आप देख सकते हो कि वेदर काफ़ी अच्छा था जब हम लोग गए थे। और प्रेम मंदिर जितना कि सुना था उससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग भी जाके देखना, विज़िट करना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अलग ही सुकून था यहाँ पर। उसके बाद प्रेम मंदिर वाली लेन में हम गए थे इस शॉप पर, राम श्याम मिठाई वाले। इन अंकल के यहाँ हमने लस्सी ट्राई की थी, और वृंदावन की लस्सी बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। आप भी जाओ तो ट्राई ज़रूर करना। और गाइस, मैंने प्रेम मंदिर की नाइट वीडियो भी शूट की थी। जैसा कि आप देख सकते हो, नाइट में इस टाइप का लुक था प्रेम मंदिर का। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मॉर्निंग में प्रेम मंदिर का लुक ज़्यादा पसंद है या फिर नाइट में। उसके बाद गाइस हम गए इस्कॉन टेंपल, श्री श्री कृष्णा बलराम मंदिर। और यहाँ पर हमने किए म्यूज़ियम के दर्शन। यहाँ पर कीर्तन चल रहा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इस्कॉन टेंपल का भी। और ये म्यूज़ियम के दर्शन आप भी कर सकते हो वीडियो में, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आप ज़रूर विज़िट करके आना। देन हम गए माता वैष्णो देवी धाम, जो कि मंदिर अभी नया बना है। और यहाँ पर माता रानी की बहुत बड़ी मूर्ति है, जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर बनी हुई थी। यहाँ पर गुफा भी थी, और यहाँ यमुना जी की मूर्ति है। यहाँ पर लोग कॉइंस डाल के अपनी विश मांग रहे थे, तो देख सकते हो। ये रहा मेरा वृंदावन का एक्सपीरियंस। तो आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।